आप क्या कहना चाहेंगे बालेश्वर त्यागी जी, बीजेपी के लिए इस वक्त अगर सपा के अंदर ये दो फाड़ है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री एक वो चेहरा है जिनके ऊपर कोई दाग नहीं, एक साफ सुथरी छवि के साथ और अकेले अपने दम पर अगर वो कैंपेन करना चाह रहे हैं, तो क्या बीजेपी के लिए ये एक चैलेंज है? बात यह है कि जो अभी उन्होंने अकेला चलो की बात की है, जी वो चुनाव कैंपेन नहीं कर रहे हैं। वो सपा के अंदर अपने विरोधियों को ये बताने में पूरी शक्ति लगा रहे हैं कि मैं अकेला भी चल सकता हूँ। जी अभी तो वो अकेला चलने की अपनी भाव भंगिमा से अपने सहयोगियों को और अपनी पार्टी के लोगों से जी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी को चाहे वो मिलकर लड़ें सारे लोग, चाहे अकेले लड़ें, बीजेपी के लिए कोई चैलेंज सपा की तरफ से नहीं है। जी बीजेपी अपने मुद्दों पर प्रदेश की जनता के हितों को लेकर, और बीजेपी जिस लेकिन तरह से आपने कोई चेहरा नहीं उतारा ना, मतलब अगर स्ट्रेटेजी की बात करें, कांग्रेस की तरफ से चेहरा है अखिलेश यादव, खुद अब अपने आप को बता रहे हैं, काम बोलता है और उनका चेहरा दिख रहा है कैंपेन में, क्या बीजेपी इस मामले में थोड़ी पीछे नहीं दिख रही? नहीं, बीजेपी कई प्रदेशों में बिना चेहरे के चुनाव लड़ती है। हरियाणा में बिना चेहरे के चुनाव लड़े, महाराष्ट्र में बिना चेहरे के चुनाव लड़े। तो ऐसा नहीं है कि हर बार बीजेपी चेहरे के आधार पर ही और जब चुनाव चेहरे लड़ती के हो। साथ लड़ती है तो कई बार वो नुकसान भी कर जाता है, बहुत दिल्ली सारे दिल्ली लोग में हैं जी, नुकसान हो गया इसलिए बहुत रिस्क नहीं सारे ले लोग सकते। हैं जिनको बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के योग हैं, उनका मेटीरियल है, जी इसलिए बीजेपी के लिए कोई ऐसा चेहरा हो जो आवश्यक नहीं है। आपके